गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अमृतांश रस्तोगी, आपका होस्ट वरा लाइफ स्टॉक पिग फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है वापस से। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बड़ा अच्छा अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो उसका मेरे को फल मिल रहा है वापस। लोग फोन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फ्रेंड्स, आज सुबह से 3 बार मैं अपना फोन चार्ज कर चुका हूँ, फोन ना करके अगर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा जैसे ही मैं खाली होता हूँ। जैसे आपको बताया था मेरा प्रोजेक्ट फाइनल फेज में है तो भागना दौड़ना रोज पढ़ना पड़ता है। ये मेरा बिजनेस नहीं है वीडियो बनाना, ये सिर्फ मेरी हेल्प है मेरी कम्युनिटी को, जो पिक फार्मर्स हैं वो मेरी एक बड़ी फैमिली है। मैं चाहता हूँ सबकी हेल्प कर पाऊँ जितना काबिल हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था, सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है। मेरे को भी लगता था कहीं से मुझे कोई काउंसलिंग मिल जाए, कोई मुझे समझाए कहाँ मार्केट है, क्या है, क्या क्या दिक्कत आती है, सब वो मैंने खुद खोद के देखा है, खुद पे बीता है, मेरे साथ भुगत भोगी हूँ। इसलिए ही ये मैंने एक चीज आपके सामने लाने की कोशिश करी और मुझे नहीं मालूम मैं कहां तक सफल होऊंगा और कहां तक हो पा रहा हूं, लेकिन सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो माफी चाहूंगा किसी का फोन नहीं उठा पा रहा हूं या किसी के मैसेजेस नहीं रिप्लाई कर रहा हूं, देर सवेर करूंगा जरूर, इस चीज को समझें। तो दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके सामने कास्ट्रेशन डिवाइस। सर वीडियो कास्ट्रेशन की शुरू करने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे पास कई फोन आ रहे हैं कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए, मैं छोटा फार्मर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे काम करना है। तो सर मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। 12वीं क्लास से मैंने अपने घर वालों से पैसा लेना बंद कर दिया था, अपने खर्चे कॉल सेंटर में काम करके इधर उधर से जुगाड़ के, कोई उल्टा काम नहीं किया लाइफ में, मेहनत करता था, कॉल सेंटर में काम करता था, आई एनर्जाइजर था नोएडा में, उसमें काम करता था, फिर कंपनी चेंज करता गया, पढ़ाई के भी पैसे खुद निकाले, मेहनत ही बहुत था, जिस चीज में लग जाता था। तो मैं भी एक मध्यम दर्जे के परिवार से आता हूँ, कोई बड़ा एम्पायर नहीं है मेरे पिताजी का, यहाँ जहां तक पहुंचा हूँ नलबाड़ी आसाम जितना काम करा है ये सब अपने पैसे से करा है, किसी से हेल्प नहीं ली आज तक, ना किसी ने मुझे बोला कि भाई तुम मुझसे पैसे ले ले और काम चालू कर ले। तो मैं भी आप लोगों के बीच में से ही ऊपर आया हूँ, चाहता तो मैं भी आज आसाम में 5 साल पहले फार्म खोल लेता, नहीं थी हैसियत तो मेहनत करी, जो हैसियत थी ट्रेडिंग करने की वो कर ली, उससे कुछ कमा लिया। तो ये ना करें कि मुझे 10 लाख हैं तो मुझे उसमें काम करना है, कोई भी काम कोई भी बिजनेस इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चलता है, उसका एक साइज रखना जरूरी है। अगर आप मुझसे बोले कि भैया मैं एक गाय लाऊंगा और डेयरी खोल दूंगा, भैया खोल लो, अब आप मुझसे बोलोगे मैं कितना कमा लूंगा, सर मैं कैसे बताऊं और मैं कैसे उस चीज को बताऊं जो मैंने कभी करी नहीं और ना मैंने उस चीज पे कभी विश्वास किया है। हर काम का एक लेवल होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 मादिनों से नीचे नहीं होना चाहिए। और जितने ये जो दलाल है ना, आज मेरे पास एक फोन आया था सालासर बालाजी यहाँ पे राजस्थान में है, एक दलाल ने यूपी का, ये उत्तर प्रदेश, तो क्या करते हैं जी, हम आपका हेल्प करेंगे, फार्म बना देंगे, ये कर देंगे, बस आपको हमसे माल लेना है। एक भाई का वो मेरे को भेजने वाला है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके वो मैं जरूर डालूंगा, जरूर प्रमोट करूंगा। इसी बात से मुझको याद आई, मैंने कई जो इस ट्रेड के दल्ले और उचक्के थे उनका अपने फेसबुक पे डाल रखा है, वरा लाइफ स्टॉक के नाम से फेसबुक पेज है, प्लीज जाइए और देखिए और बचिए उन लोगों से। और इतने लोगों को बर्बाद कर चुके हैं, इतने लोगों को कि इनको अभी भी शर्म नहीं आती, इनके चूल्हे किसी को बर्बाद करके चलते हैं घर के। तो जहां मैं बात कर रहा था कि उस बंदे की आप डीलिंग देखिए, हम जो भी आपको जानवर दिलाएंगे उसमें 500 रुपए कमीशन लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपको प्रेग्नेंट मादिन दिला रहे हैं अगर उसमें कोई खाली निकल जाती है तो हम आपको 3000 वापस करेंगे। अब मुझे मालूम नहीं क्या रेट में उनका वो हुआ था, मैंने पूछा भी नहीं, तो मतलब उनको मालूम है कि वो एक सही चीज नहीं दिला रहे हैं, पहली बार, जैसे कि वो पहले बोल रहे हैं कि 3000 हम वापस करेंगे। अगर एक कोई रेप्यूटेड फार्म होता तो उसके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसको देखने के लिए प्रेग्नेंट है या नहीं है। गली गूंचों के फार्मों से माल लेते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, 500 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, रियलिटी है। उनको फंसाते हैं जो एक नया फार्मर हो, जो एक नया लड़का या कोई नया आदमी आ रहा हो अपनी संपत्ति लेके, देख लेते हैं, आंख लेते हैं, वो नहीं होते जो अंग्रेज आता है किसी स्टेशन पे और लपका देख लेता है भाई इसके पास पैसा है इसके पास पैसा नहीं है। इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि अभी भाप लेते हैं कि इस आदमी को कितना लूट सकते हैं, इस आदमी को कितना नहीं लूट सकते। जिसको नहीं लूट सकते उस पर ध्यान नहीं देते, उसका फोन नहीं उठाते, जिसको लूट सकते हैं उसको मांग दिला के, जो अपनी कमिटमेंट है कि 3000 वापस करेंगे जब वो होता है
उसके फोन उठाना बंद कर देते हैं, बेचारा दूसरे तीसरे नंबरों से परेशान होता है, फोन कर करके फोन ब्लॉक पे डाल देते हैं। तो इन लोगों से बचें, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता आपकी आंखों के बिना। खुद जाके देखिए, खुद देखिए कि उस पर्टिकुलर फार्म में जाइए जहां से आप लेना चाहते हैं, जाइए रिसर्च करिए। बिना रिसर्च करे कोई काम नहीं करना चाहिए सर। पढ़िए उसके बारे में, जाइए उस फार्म की प्रैक्टिसेस देखिए कि क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, और उस फार्म का जाते ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें हाइजीन कितना है। सबसे पहले उसकी दवाइयों का सेटअप देखिए कि कितनी दवाइयां हैं इस फार्म में, उसमें गंदगी कितनी है या गंदगी कितनी नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स जरूरी हैं देखने के लिए कि आप समझ जाओगे अपनी आंखों से देखे कि ये अच्छा जानवर है और ये खराब जानवर है। जानवर कोई खराब नहीं होता, उसको पालने का तरीका गलत होता है। हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? वही ब्रीड आप पाल रहे हैं, वही ब्रीड मैं पालूंगा, और वही ब्रीड मैं पाल रहा था तो मेरे को अच्छे रिजल्ट्स क्यों मिले हैं? आपको हर चीज सलीके से, एक तरीके से करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे फार्म्स हैं जो स्वाइन फ्लू का टीका नहीं लगाते, उनके फार्म पे जानवर बच्चे रहते हैं, और जो बेचारा जो नया फार्मर है, बच्चा लेके आता है अपने घर, आया पता चला मरने चालू, तो उस बंदे ने जो अपनी जमा पूंजी से खर्च किया उसका तो दिल खराब हो गया ना। उसको तो ये लगा कि यार बेकार काम है, घटिया लोग हैं। यही मूवमेंट है मेरा कि लोगों को सही सलाह, सही तरीका, सही जानवर की जानकारी, इस ट्रेड में आने वाले हर इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी असिस्टेंस के लिए बनाई है। जितना टीके हैं जरूर लगाइए, स्वाइन फीवर का, सरको वायरस का, HNF का, HS का, फुट एंड माउथ डिजीज, जैसे खुरपका मुंहपका बोलते हैं, ये जरूर लगाइए। जो हमारे इंडिया में डिजीज के लिए वैक्सीन नहीं है वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिसकी अवेलेबल है जरूर लगाइए। अपने फार्म पे एक अच्छी बायो सिक्योरिटी मेंटेन रखिए, और दलालों का निवाला ना बने आप। आपका जो पैसा है, मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, मत दीजिए किसी ऐसे आदमी को जो वो डिजर्व नहीं करता। उन दलालों की दुकानें बंद कराइए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, हम फार्म बनाते हैं, हम ये फार्म बनाते हैं, हम वह फार्म बनाते हैं, फार्म वाले से जाके मिलिए, भाई साहब दल्ला है। ये रियलिटी वर्ड्स हैं, ये सुने, दल्ला है वो, 10,000 रुपए लेते हैं मुझसे। घटिया डिजाइन बनाएगा, 50 साल पुराने वाले डिजाइन जो चल रहे थे गांव में, ये बताएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। एक भी फार्म नहीं होता ऐसे लोगों का, एक भी। ये सिर्फ और सिर्फ दलाली पे ही जिंदा रहते हैं, दलाली पे। चार मेडिसिन का नाम याद होगा? अगर ऐसा हो गया, वो नहीं होते पट्टे वाले डॉक्टर, हर गोली के साथ एवल दे देते हैं, भाई रिएक्शन नहीं करेगी गोली, पट्टे वाले वो हैं। कुछ मालूम नहीं है कैसे क्या होता है, गाड़ी देख ली रास्ते में सुअर वाली, अरे हाँ ये हम भेज रहे हैं, ये फार्म दिखा दिया, ये हमारा फार्म है। उन फार्म वालों को तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि यूट्यूब पे वीडियो ये डाल रखे कि ये मेरा फार्म है क्या क्या। तो ऐसे दलालों से बचें। कोशिश करूंगा सलासर वाला जो बंदा था, एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजे, अगली वीडियो में डालूंगा। ऐसे चोरों से अपने भाइयों को बचाएंगे, ये मुहिम है हमारी। मेरे साथ आइए और इस काम को बहुत अच्छी हाइट्स पे ले जाएंगे। जहां जहां मेरी जरूरत है प्लीज करिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप करिए प्लीज। कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम इतनी होती है कि कॉल, मतलब मैं अपने काम करूं या अपने जो मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं उसमें लग जाऊं। सर मेरा काम भी जरूरी है, उससे मेरी रोजी रोटी चलती है, आप समझो। मेरा 5 साल का सपना आज उसमें आ रहा है, जमीन पे आ रहा है। इसका क्या महत्व है, इसका यूज कैसे होता है, ये कहाँ पे अवेलेबल है, और सही समय क्या है, और इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस के, मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं डिवाइस के, आशा करता हूं आप देख पा रहे होंगे क्लियर, मैं फिर भी दिखाता हूं। ये डिवाइस, इसको पिग कैस्ट्रेशन डिवाइस बोलते हैं। इसका यूज बच्चों को कैस्ट्रेट, मेल पिगलेट्स को कैस्ट्रेट करने के काम आता है। ये पर्टिकुलर डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट मैंने यूरोप से मंगवाया है, और ये इंडिया में भी अवेलेबल है कुछ लोगों के पास जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। अब आप ये देखिए, मैं हर जगह से दिखा देता हूँ। पूरा स्टेनलेस स्टील 304 क्वालिटी में बना हुआ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग इसकी बहुत अच्छी तरीके से करी हुई है, लगता नहीं कि ये सब पार प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था पिक कैस्ट्रेशन डिवाइस, इसको यूज कैसे करते हैं अब दिखाऊंगा मैं, चलें।
एक पिगलेट जो जन्म से 4-5 दिन या 6 दिन या 7 दिन की उम्र तक पहुंच जाता है, जिसका वजन 3 किलो से ऊपर हो, उसको कास्ट्रेट कर देना चाहिए। जो अभी आपने वीडियो देखी वो है इटली के एक फार्म की, जहां पे अपना ही एक भाई जिसका नाम है दीपक महिंद्रू, बहुत ही हेल्पफुल बंदे हैं। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रखे हैं, बिना किसी चाह के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी डिमांड के 24 घंटे हेल्प करते हैं। मैं वैसा कर ही नहीं सकता, मैं कई कई बार परेशान हो जाता हूँ व्हाट्सएप। आज 2000 व्हाट्सएप मैसेजेस थे, किस्तों का आंसर दे लूंगा मैं। मेरे को तो ये यूट्यूब चैनल खोलने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं कॉल सेंटर में बैठा कॉलिंग करने वाला बंदा हूँ, जैसे एयरटेल का या किसी आइडिया का होता है ना कॉल सेंटर, हाँ जी सर क्या चाहिए, वो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बंदा इटली में बैठ के यहाँ के फार्मर्स की हेल्प कर रहा है बिना किसी अपने फायदे के लिए। बहुत अच्छा, सलाम है उसका, सलाम है उनको। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। उनका यूट्यूब चैनल देखिए, उसमें काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं। उनसे मैंने हेल्प मांगी, असिस्टेंस मांगी कि भैया मेरे को एक प्रोफेशनल वीडियो चाहिए कास्ट्रेशन डिवाइस की। तो उन्होंने मेरे को अपनी पर्टिकुलर, आज ही काम करा उन्होंने उस कास्ट्रेशन का काम, वो रोज करते हैं, 500 मादिन का फार्म है उनका, वहां पे अकेले संभालते हैं उसे। और अपने इंडियन या इंडियन फार्म्स की तरह नहीं है कि 8 बच्चे आ गए तो हम बड़ा खुश समझते हैं, उनके यहाँ एक मादिन से एक बार में 18-19 बच्चे आते हैं। तो एक दिन में वो 500-600-700-1000 पिगलेट की भी प्रोसेसिंग करते हैं। इसको पिगलेट प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो कि जन्म के कुछ दिनों बाद किया जाता है, जैसे उसके दांत काटना, उसकी टेल काटना, उसको आयरन का शॉट देना, उसे विटामिंस का शॉट देना, और उसके साथ एक एंटीबायोटिक का शॉट जो कि यूरोपियन कंट्रीज में दिया जाता है, तो वो उसको पूरा फॉलो करते हैं। तो भाइयों, ये आपने वीडियो देख ली कि कैस्ट्रेशन किस समय करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसकी पर्टिकुलर डिवाइस अवेलेबल है, इंडिया में बड़ी घटिया क्वालिटी इमिटेशंस अवेलेबल हैं, वो भी मैं वीडियो में डाल दे रहा हूं अभी। जो एक साउथ इंडिया के भाई साहब बेच रहे हैं, मेरा भी उन्होंने चार्ली काट दिया था, लेकिन अच्छा उन्होंने मुझे पैसे रिफंड कर दिए जब मैंने उनको बोला कि सर आपने दिखाया तो ये था सेम, और जो भेजा उसकी वीडियो आपने देख ली। तो सब पार क्वालिटी बेचते हैं, सबसे इंडिया में तो बेचारे अनपढ़ फार्मर हैं, जो भेज दोगे चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, इंडिया में लोग पढ़े लिखे पैदा हो रहे हैं, हमारे ऐसे भी हैं जो सुअर पाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई बेवकूफ बना सकता। और जहां तक कोशिश होगी मैं बेवकूफ बनाने भी नहीं दूंगा किसी को, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि झूठ और मक्कारी से बिजनेस करा जाए। कास्ट्रेशन के क्या क्या फायदे हैं? कास्ट्रेशन से आपका जो जानवर है, जिससे आपको खस्सी बोल, उससे ये फायदा होता है, एक तो उसकी ग्रोथ जल्दी होती है। अनचाहे नरों को हर फार्म में नहीं चाहिए होते, एक लिमिटेड क्वांटिटी नर की चाहिए होती है, और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि नर हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, हर साल चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके फार्म में इनब्रीडिंग ना हो जाए। जिस दिन आपके फार्म में इनब्रीडिंग होने लग गई, आधी प्रॉब्लम आपको वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे क्या लूले लंगड़े बच्चे ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जल्दी बढ़ते नहीं है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है उनकी। तो नर चेंज करते रहना चाहिए, जैसे हम लोगों में गोत्र होता है ना कि एक गोत्र में शादी नहीं करते, वही इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। वो एक साइंटिफिक तरीका था पुराने अपने लोगों का, जिसको फॉलो करते थे, और आप देखिए हम लोग बीमारियां कम होती हैं और कोई प्रॉब्लम्स कम आती हैं। तो इनब्रीडिंग रोकनी है अपने फार्म में, कुल मिला के ये बात है। कास्ट्रेशन क्यों जरूरी है? आप जितने नर नहीं रखना चाहते, बाकी के जितने आपके कंट्रोल में नहीं होता है कि 5 मादिन हो गए या 5 नर आ गए, आपको नहीं मालूम कितने नर कितने मादिन आएंगे, खस्सी कर देंगे या कास्ट्रेट कर देंगे तो उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, हाइजीन प्रॉपर होता है, और मार्केट में वो आराम से बिक जाते हैं, इन कंपैरिजन टू जो नर ही रह जाते हैं जिनको आप कास्ट्रेट नहीं करते हैं। उसका एक रीजन है, जब आप मीट काटते हैं, जो मीट खाता है, जो एक
टेस्टोस्टेरोन का स्मेल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होता है और वो पूरे मीट में आ जाता है, तो उसका मीट इतने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता मार्केट में, कहीं तो लेते ही नहीं है। तो कास्ट्रेशन करना जरूरी है, पिगलेट को तीसरे दिन आयरन का शॉट देना जरूरी है, क्योंकि वो अपने साथ जितना लेके आते हैं उतना उनका तीन दिन में खत्म हो जाता है और पिगलेट अपनी बॉडी में आयरन नहीं बना पाता है। वो हर चीज अपनी माँ पे निर्भर होता है बच्चा। तो पिगलेट हो गया, उसका एक आयरन डोज हो गया, उसको एक मैं तो बोलूंगा सर एक जरूर एंटीबायोटिक का डोज भी लगना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ। उसके बाद विटामिन B12 जरूर जरूर देना है जो आयरन डेक्सट्रॉन के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है आराम से। तो आज की वीडियो यही थी दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि मेरा चैनल आप लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मैं नई नई चीजें लाता रहूंगा आप लोगों के भलाई के लिए। ना मैं कुछ चीज बेचता हूँ, ना मैं किसी चीज को एंडोर्स करता हूँ, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ जाता हूँ। अगर टेक्नोलॉजी आएगी इस ट्रेड में तो हर फार्मर का। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिएगा।